दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना जिले में चाचौड़ा तहसील सहित कई ग्रामों में आज ओले गिरे हैं। ओले गिरने से मौसम में अब और भी ज्यादा ठंडक घुल गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई थी। आज ग्राम पेंची में शाम को 7 बजे के बाद तेज बारिश हुई और बारिश के साथ साथ बिजली कड़की, बिजली के साथ में ही ओले गिरे हैं। ओले भी 1-2 मिनट के लिए ओले गिरे हैं और बेर के बराबर ओले गिरे हैं। बारिश से फसल को नुकसान है और ओले से भी फसल को नुकसान है। गुना में कोरोना की दस्तक, तहसीलदार आए कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट किया गया। 187 दिन बाद मिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना की एंट्री हो गई है, 187 दिन बाद कोरोना का केस आया है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा COVID-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए 23 दिसंबर 2021 द्वारा जारी निर्देश के साथ ही अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर गुना ने आज गुना जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। संभावित लहर को लेकर जिला प्रशासन की हैं तैयारियां पूर्ण। जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी अनुसार शहर की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले मृतक नीतेश पुत्र हरीश बाबू जैन, उम्र 28 साल, हाट रोड पर चाट ठेला लगाता था। उसने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान होकर पहचान वालों से कर्ज ले लिया था। उधारी चुकाने के लिए कर्जदार परेशान कर रहे थे। अधिक ब्याज दरों पर कर्जे के कारण नीतेश काफी तनाव में था। इस कारण उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। गायों की हो रही तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गायों की तस्करी बंद हो की मांग। गुना जिले में लगातार हो रही गायों की तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि गायों की हो रही तस्करी को बंद किया जाए। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गुना जिले में गाय की गाड़ी भर कर रोज जा रहे हैं, जिसमें पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। जिसका जीता जागता उदाहरण 4 दिन पूर्व का है, जहाँ आगरा के पास केदारनाथ से गाड़ी भरी हो रही, उसमें भदौरा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा TI म्याना को सूचना गई और उमरी प्रभारी को भी सूचना दी गई। म्याना थाना प्रभारी और उमरी चौकी प्रभारी में से कोई भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। पुलिस कहीं न कहीं गाड़ी को निकलवाने की नियत महसूस कर रही थी। स्थानीय थाना प्रभारियों का गाड़ी को पकड़ने में कोई भी सहयोग नहीं रहा, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। आगे इस तरह की घटना न हो, इसलिए गुना जिले में गाय की तस्करी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज 5 जनवरी को आयोजित अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल गुना पर आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में गुना एवं अशोकनगर जिले के 10 महाविद्यालयों की टीम ने सहभागिता कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य VK तिवारी एवं प्रोफेसर चक्रवर्ती के विशिष्ट आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का प्रथम मैच शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ विरुद्ध शासकीय महाविद्यालय कुमराज के मध्य खेला गया। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति गुना ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्वर्णकार समाज ने 16 जनवरी 2022 को स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने बाद समाजजनों की 7 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। स्वर्णकार समाज की मांग है कि 5 दिसंबर 2021 से माँ शारदा की पावन भूमि मैहर जिला सतना से स्वर्णकार समाज की कुछ मांगों को लेकर स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ प्रदेश के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसका समर्थन प्रदेश के समस्त 52 जिलों में भारी मात्रा के लोगों ने
बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रथ यात्रा का स्वागत सम्मान किया है। इसका समापन 16 जनवरी 2022 को भोपाल में हिंदी भवन में 11 बजे दिन में होगा। मध्य प्रदेश स्वर्णकार कल्याण समिति की मांगों में प्रमुख स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन, हॉलमार्क कानून की अनिवार्यता समाप्त किए जाए, धारा 411 एवं 412 के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रत्येक थाना लेवल पर छानबीन समिति का गठन किया जाए। शासकीय रेल पुलिस द्वारा मनाया जा रहा रेल सुरक्षा सप्ताह। गुना जिले में रेल पुलिस द्वारा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरे दिवस रेल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो महिला अकेली यात्रा कर रही थी, उनसे महिला थाने की महिलाओं द्वारा चर्चा की गई, उनकी समस्याओं का समाधान किया गया एवं तीसरे दिन बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, ऐसे लोग जो ट्रेनों में यात्रा करते हैं, उनको अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है एवं उनको आवश्यक जीआरपी हेल्प नंबर भी दिया गया। आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को कुटीर आवंटित करने के लिए जलाधीश को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले की श्रीराम कॉलोनी के रहवासी जिला कलेक्टर के पास आवास योजना अंतर्गत कुटीर आवंटित करने की मांग को लेकर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कई इलाकों में जैसे हड्डी मिल, मेडिकल, बगीचा, बरबटपुरा, कोहलूपुरा, पिपरौदा आदि कई ऐसी जगह है जहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश लोग रहते हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, यहाँ तक कि उनके घरों पर तिरपाल चढ़ा हुआ है, बेबी फटा हुआ। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटी आवंटित की जाती है, इन लोगों को नहीं की गई। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि स्थिति को देखते हुए सभी को आवास योजना अंतर्गत कुटीर आवंटित की जाए। धान, ज्वार, मक्का का दोबारा पंजीयन खरीदी करें। किसानों की परेशानी के संबंध में सौंपा जिला कलेक्टर को कांग्रेस ने ज्ञापन। खरीफ फसल खराब होने के बाद किसानों ने धान और ज्वार जैसी उपज से उम्मीद लगाई थी। बाजार में भाव कम होने की वजह से विपक्षी दल कांग्रेस की मांग पर सरकार ने खरीदी करने की घोषणा कर दी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कम होने की वजह से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज सरकारी खरीदी केंद्र पर नहीं बेच पाए। आरोपी के आनन फानन में केवल 2 दिन के अंदर धान ज्वार खरीद ली गई, जबकि मक्का की सरकारी खरीद अभी तक नहीं की गई। कांग्रेस ने एक बार फिर मांग उठाई है कि खरीदी को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। सफाई कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष का हुआ गुनागमन। गुना नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। गुना जिले में सफाई कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने गुना सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, सफाई कर्मचारियों से समस्याओं को जाना एवं उनके समाधान हेतु आश्वासन दिया। बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा समय समय पर कर्मचारियों की मदद की जाती है एवं उनकी समस्याओं के निवारण हेतु जरूरी प्रयास किए जाते हैं। समावेशित योजना पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न। आज दिनांक 5 जनवरी को जनपद शिक्षा केंद्र चाचौड़ा में समावेशित शिक्षा योजना अंतर्गत स्रोत समन्वयक, अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षकों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हरियाणा निर्मित 94 लाख की अंग्रेजी शराब का नष्टीकरण। न्यायालय कलेक्टर गुना के निर्णित पारित आदेश दिनांक 19/2/2021 के अनुसार धरनावदा थाना एक्ट में जब्त शुदा अंग्रेजी शराब कुल 744 पेटी को राजसात किया गया है। केंद्र सरकार ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंट को स्किल हब सेंटर के रूप में चयनित किया। स्किल हब सेंटर में ड्रॉप आउट बच्चे कौशल विकास कर सकेंगे, हुनर सीखने के बाद रोजगार भी मिलेगा। जिले के स्कूल छोड़ ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, बिना किसी हुनर के बेरोजगार घूम रहे बच्चों को अब कौशल सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जम्मू की कड़कड़ाती ठंड में आशीष गलगले ने सफर शुरू किया था, अब उनकी यात्रा बेंगलोर से आगे पहुंच गई है। 10 जनवरी को यात्रा कन्याकुमारी में संपन्न होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। कोटा बीना मेमू ट्रेन का हुआ शुभारंभ। आज यात्री संगठन व अन्य संगठनों ने मेमू ट्रेन जैसे ही गुना रेलवे स्टेशन पहुंची तो ड्राइवरों का किया सम्मान। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी शशंक का विहार बीनागंज से लटेरी की ओर चल रहा है। आइए दिखाते हैं बिहार के कुछ विहंगम दृश्य।
15 से 18 साल के बच्चों के लिए हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर जिला कलेक्टर बोले, वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसमें 128 केंद्र बनाए गए हैं और कोशिश पूरी रहेगी कि 15 जनवरी तक लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाए। स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति टेनिस बॉल 8 विकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में आज 5 जनवरी के प्रथम राउंड में 4 मुकाबले खेले गए। पहला मैच गंगा भोले वर्सेस शूटर क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें गंगा भोले ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 80 रन बनाए। जवाबी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी शूटर क्लब ने 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में जीत हासिल की। जिला कलेक्टर गुना ने आज गुना जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। संभावित लहर को लेकर जिला प्रशासन की हैं तैयारियां पूर्ण। कल की रिपोर्ट तक हमारे पास 0 केसेस थे। अच्छा, क्या तैयारियां हैं सर? ठीक, हमारे पास देखिए जनरली हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी की है एंड ICU वेंटिलेटर्स की तैयारी भी हमने देखी है। PSA प्लांट भी हम लोग बाकी जो ब्लॉक हैं उसको भी देख लें। यहाँ पर भी दो में से एक काम कर रहा है, दूसरे में प्योरिटी लेवल का थोड़ा इशू है, उसमें इंजीनियर आ जाएंगे, बट प्योरिटी लेवल कोई इशू नहीं, उसमें ठीक हो जाएगी बता रहे हैं। ये ब्लॉक लेवल पे जो PSA प्लांट ब्लॉक लेवल PSA प्लांट अभी सही चल रहा है, अभी हमारे पास ये रिपोर्टिंग है, बट अगेन हम उसको उसकी भी प्योरिटी हम लोग एक बार चेक कर ही रहे हैं। बट ऑक्सीजन वहाँ पर ऑलरेडी मैनिफोल्ड्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन लाइनिंग हो चुकी है, सिलेंडर्स भी पर्याप्त हमारे पास हैं। अभी क्योंकि पास वाले जिले सभी में केसेस आने शुरू हो चुके हैं, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगामी थोड़े दिनों में केसेस हो सकते हैं हमारे यहाँ पर आए। बस रिक्वेस्ट इतना रहेगा, सभी लोग थोड़ा मास्क पहने रहें एंड सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा पालन कर लें, तो इससे हम बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन जो लोग छूट गए हैं वो कृपया करके वैक्सीनेशन। यहाँ पर सर कितने बेडों की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर जिला अस्पताल में लगभग 220 बेड्स अभी डेडिकेट किया है कोविड के लिए। तो हम लोग अभी जो इंस्पेक्शन का मेन मकसद यही था कि हम लोग किस तरीके से बढ़ते हुए लेके जाएंगे, मतलब कैसे हम लोग फील करते जाएंगे, वो हम लोग प्लान कर रहे थे, तो उसको हम लोग एक बार देख लिए थे। तो लगभग 220 बेड्स हैं यहाँ पर। इन एडिशन टू दैट हमारे पास 90 बेड्स वहाँ पर PG कॉलेज में भी ऑक्सीजन वाले हैं, एंड इन एडिशन टू दैट हमारे CHC ब्लॉक लेवल पर भी है, PSC में भी हमने कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई किए हैं। तो हम होप कर रहे हैं कि हम थोड़ा इस बार, अगर लास्ट टाइम टाइप का सिचुएशन रहेगा तो उसको मैनेज करने की स्थिति में रहेंगे। बट अगेन प्रिवेंटिव ही एकमात्र उपाय है, मास्क लगा के रहें, किसी को थोड़ी तकलीफ हो रही है जरूर उसका टेस्टिंग कराएं। कितनी जांच अभी हम लोग रोज कर रहे हैं? लगभग हमारा 1000 प्लस हमारा है टारगेट, 1000 का रहता है, तो हम लोग 1038 से लेके 980 से लेके 1038 के बीच में हमारा हो रहा है, 98-100% हमारा टेस्टिंग हो रहा है। सर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? उसके लिए भी हमने डायरेक्शन दिए हैं, जो बाहर राज्यों से जिसके ट्रेन आ रहे हैं वहाँ पर भी टेस्टिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनका भी सैंपल फंसाने के लिए दिए हैं। इन एडिशन टू दैट जो फॉरेन से रिटर्न हो रहे हैं उनका इंटीमेशन हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी हमें मिल जाता है, तो उनका भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं एंड उनका भी हम लोग सैंपल उठाते हैं 3 या 4 दिन के बाद, एंड जैसी स्थिति होती है फिर उसके ऊपर। सर, पास वाले जिले शिवपुरी में काफ़ी केसेस आ चुके हैं, तो बॉर्डर पे क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन या जाँच उधर करवा रहे हैं? अभी बॉर्डर क्योंकि बहुत पोरस है करंट सिचुएशन, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी वर्तमान में कोई भी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल व्हीकल्स को किसी में रोक नहीं है, तो क्या हो रहा है कि इतना पोरस है कि हर व्हीकल को जांच नहीं कर पाएंगे। बट इसमें इतना बस है कि सभी लोगों को इतना बताया जा रहा है, हमारे पास जितने भी फीवर क्लिनिक्स हैं उसके माध्यम से अगर आप थोड़ी भी सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं तो कृपया करके टेस्टिंग करा लें, एंड के सैंपल अगर पॉजिटिव भी आता है तो भी होम आइसोलेशन हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास भी फैसिलिटी है जहाँ पर उनका एक्सपेक्ट करना है। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने शादियों में 250 तक लिमिट तय कर दी है, तो जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी अनुसार शहर की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले मृतक नीतेश पुत्र हरीश बाबू जैन उम्र 28 साल हाट रोड पर चाट ठेला लगाता था। उसने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान होकर पहचान वालों से कर्ज ले लिया था। उधारी चुकाने के लिए कर्जदार परेशान कर रहे थे, अधिक ब्याज दरों पर कर्जे के कारण नीतेश काफी तनाव में था, इस कारण उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। नाम भाई साहब का? मोनू जैन है। मोनू, पिताजी का नाम? अरे लाला। कहाँ रहते हो? बाबू जैन, दुर्गा कॉलोनी। अच्छा, तो आपके कौन थे जिनने जो जहर खा लिया? भैया। छोटे के बड़े? छोटे। छोटा। क्या करते थे? ठेले लगाते थे चाट का। कहाँ पे? मंत्री जी कोटी गली। हाँ। तो भाई साहब इनने है ना आत्महत्या कर ली है, कर्जा वाले परेशान करते थे। कर्जा वाले परेशान? तो कहाँ के थे ये कर्ज वाले, कहाँ के थे जो परेशान करते थे वो? ये मतलब ये कुछ बूढ़े वाला जी के हैं, टेंट के हैं कुछ। अच्छा, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? नहीं।
नहीं कराई करवाएंगे। हाँ मेरा नाम दीपेश जय, कहाँ रहते हैं? चौधरी मोहल्ला कानी हाउस के पास जी। बताइए क्या घटना हुई? घटना भांजा था 28 साल का था, इसकी घटना अब इसका ये मालूम नहीं पड़ रहा जहर इसने कहाँ पे उड़ खाया है। जितनी जानकारी है कोई कर्जा वाले परेशान करते थे बस। क्या नाम था? उसका नाम नितेश जैन। जहर कहाँ खाया? अब ये जहर का भी मालूम नहीं कहाँ पे खाया है, घर पे खाया है कहाँ पे खाया है ये जानकारी नहीं है। आपको कैसे सूचना ऐसे कि यहीं पे मैं रहता हूँ तब फोन गया मेरे पास तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अच्छा। भर्ती करवाया तो हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि नहीं बचेगा जहर खा लिया। अब ये जानकारी कर्जे की अभी कोई पक्का पता नहीं है मुझे। हाँ ऐसी जानकारी है कि पिताजी की आंखों की रोशनी चली गई थी, इलाज भी करवाया था कर्जा लेकर? नहीं नहीं जिस पिताजी की रोशनी चली गई कर्जा लेकर नहीं करवाया, ये सब बात गलत है। वो तो अब उसका जो जानकारी पक्का पता नहीं है कि क्या कारण से उसने जहर खाया है। हाँ कारणों का पता नहीं चल रहा क्या कारण से जहर खाया है, ये भी जानकारी नहीं है पक्की। अब ना आया नहीं हुई थी। परिवार में कौन कौन? एक भाई दो भाई थे, एक सिस्टर थी, मम्मी पापा थे। कहाँ रहते हैं? दुर्गा कॉलोनी शांति पब्लिक स्कूल के जस्ट पीछे। अच्छा मतलब कोई आपको लगा परेशान कोई कर रहा है या नहीं? अब वो तो क्या है कि इतनी जानकारी तो अब घर वाले से पता कर कर लूँगा मैं, ठीक है। अब इतनी जानकारी मुझे भी मालूम नहीं है और दूसरी बात क्या है अब क्या कारण से खाया जी अपने भी मालूम नहीं है। गायों की हो रही तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, गायों की तस्करी बंद हो की मांग। गुना जिले में लगातार हो रही गायों की तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि गायों की हो रही तस्करी को बंद किया जाए। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गुना जिले में गाय की गाड़ी भर कर रोज जा रहे हैं जिसमें पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण 4 दिन पूर्व का है जहाँ आगरा के पास केदारनाथ से गाड़ी भरी हो रही उसमें भदौरा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा TI म्याना को सूचना गई और उमरी प्रभारी को भी सूचना दी गई। म्याना थाना प्रभारी और उमरी चौकी प्रभारी में से कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, पुलिस कहीं न कहीं गाड़ी को निकलवाने की नियत महसूस कर रही थी। स्थानीय थाना प्रभारियों का गाड़ी को पकड़ने में कोई भी सहयोग नहीं रहा, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, आगे इस तरह की घटना न हो इसलिए गुना जिले में गाय की तस्करी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज ज्ञापन दिया है, गौ माता की गाड़ी रोज भरी हो रही है और जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता पहुँचते हैं पर पुलिस नहीं पहुँच रही, इसका क्या कारण है ये समझ से बाहर है। 4 दिन पहले आज से केदारनाथ धाम पे गाड़ी कार्य भदौरा गांव के लोगों ने रोकी, वहाँ पे गाड़ी पकड़ी, थाना प्रभारी मियाना को टेलीफोन लगाया, चौकी प्रभारी टेलीफोन लगाया, वहाँ पे थाना प्रभारी मियाना और चौकी प्रभारी कोई भी नहीं पहुँचा। 2 घंटे तक जब हम लोग गुना से यहाँ पहुँच गए भदौरा और वहाँ केदारनाथ धाम पे पहुँच गए तब तक भी कोई गाड़ी नहीं पहुँची। वहाँ पे उनको रोक करके गाड़ी को उसको वहाँ से लेके आए पर 2.5 घंटे तक 2:30 बजे मतलब 10 बजे की सूचना दे 2:30 बजे SDOP साहब पहुँचे जब तक थाना प्रभारी नहीं पहुँचे और 2-3 बार मेरी भी खुद बात हुई, इसके बाद में पुलिस नहीं पहुँच रही। अभी 2 दिन पहले फतेहगढ़ से गाड़ी आई जागर पे उसको पकड़ी, 1.5 घंटे तक कार्यकर्ता उसके पीछे घूमते रहे पर पुलिस की गाड़ी नहीं पहुँच रही। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस पुलिस उनको पकड़ना नहीं चाह रही गौ माता को। अनुरोध है कि जो भी गौ के हत्यारे हैं उसमें जो गाय में तस्करी में शामिल है उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए और इसके बाद जो है गाड़ी की राजसात कार्रवाई की जाए जिससे आगे गाड़ी ना भरी हो, गौ माता भरी ना हो, इसी कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। आज 5 जनवरी को आयोजित अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल गुना पर आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में गुना एवं अशोकनगर जिले के 10 महाविद्यालयों की टीम ने सहभागिता कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य VK तिवारी एवं प्रोफेसर चक्रवर्ती के विशिष्ट आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का प्रथम मैच शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ विरुद्ध शासकीय महाविद्यालय कुमराज के मध्य खेला गया। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ है और जैसे जिले की जितनी 6 जिलों की टीमें आई हैं उनके बीच में आज 3 मैच होंगे, कल भी 3 होंगे, परसों सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा और इसके बाद गुना में ही संभागीय क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी जो 10, 11, 12 में हैं और इसके बाद भी स्टेट में ही ये क्रिकेट प्रतियोगिता होनी है जिसमें पूरे स्टेट से टीमें आएंगी, संभाग लेवल में सभी ग्वालियर संभाग से टीमें आएंगी और मैं चाहता हूं कि हमारे गुना जिले के छात्र क्रिकेट में हमारे में स्टेट में भी
विजेता हासिल हो। क्या शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर वी के तिवारी। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति गुना ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्वर्णकार समाज ने 16 जनवरी 2022 को स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने बाद समाजजनों की 7 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। स्वर्णकार समाज की मांग है कि 5 दिसंबर 2021 से मां शारदा की पावन भूमि मैहर जिला सतना से स्वर्णकार समाज की कुछ मांगों को लेकर स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ प्रदेश के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसका समर्थन प्रदेश के समस्त 52 जिलों में भारी मात्रा के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रथ यात्रा का स्वागत सम्मान किया है। इसका समापन 16 जनवरी 2022 को भोपाल में हिंदी भवन में 11 बजे दिन में होगा। मध्य प्रदेश स्वर्णकार कल्याण समिति की मांगों में प्रमुख स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन, हॉलमार्क कानून की अनिवार्यता समाप्त किए जाए, धारा 411 एवं 412 के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रत्येक थाना लेवल पर छानबीन समिति का गठन किया जाए। मैं राजेश वर्मा सोनी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति। ये यात्रा का बहुत ही पवित्र उद्देश्य है हमारा। 5 दिसंबर को हमने माता रानी के आशीर्वाद लेके माँ शारदा देवी की मैहर से प्रारंभ करी और इसका उद्देश्य पर्टिकुलर ये है कि हमारी समाज को जोड़ना। रथ यात्रा तो एक बहाना है, हमको घर घर जाना है। इसी उद्देश्य से हम हर एक के घर जा रहे हैं, हर एक के नगर जा रहे हैं, हर एक के गाँव जा रहे हैं, हर एक के जिले जा रहे हैं, हर एक के संभाग जा रहे हैं। उनके दुख सुख की बातें भी कर रहे हैं, उनका संस्मरण सुन रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं वो भी हम सुन रहे हैं। समाज अगर उसका अभिन होता है तो समस्या अपने स्तर पर निराकरण करते हम लोग, नहीं तो शासन का होता है तो शासन को हम उसको प्रेषित करते हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश के सोनी स्वर्णकार सुनार समाज को एकत्रित करना चाहते हैं, उनको ऐसे एक माला में पिरोना चाहते हैं कि कभी भी कोई सर्वांगीण विकास हो, बड़े काम हो, राजनीति में भागीदारी हो या शासन से हमको नगरीय निकाय में टिकट चाहिए, विधानसभा में टिकट चाहिए, तो हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, एकता का प्रदर्शन करते हुए हम टिकट मांग सकते हैं। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में लगभग मोटा मोटी तौर पर 5% है। 5% यानी हम लोग 35 लाख के आसपास यहाँ मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये 35 लाख के हिसाब से आपको हमको टिकट देना चाहिए, हमारी आबादी के हिसाब से हमको जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमको देना चाहिए। धारा 411 412 के बारे में हमने शासन से हमेशा अनुरोध किया है कि बिना वजह पुलिस परेशान ना करे, और पुलिस इतना परेशान करती है जिसने नहीं लिया खासतौर से उसको परेशान करती तो हमें बड़ा दुख होता है। शासन पर बड़ा हमको लज्जा आती है कि ऐसा कैसा शासन है जो जिसने चोर का सामान लिया नहीं। चोर जो कहता है शासन वो मान लेता है, पुलिस वो मान लेती है, ये बढ़ना है। हॉलमार्क के बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉलमार्क 6 ग्राम तक का छूट देना चाहिए, उसके बाद हॉलमार्क लगाना चाहिए। इसके अलावा हमारी एक डिमांड और है कि स्वर्ण कला बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। ये हमारे 15 साल पुरानी मांग है। स्वर्ण कला बोर्ड का निर्माण बहुत आवश्यक है ताकि हमारे समाज का उद्धार हो सके। एक हमारी विशेष मांग ये है कि जितने भी जिले हैं मुख्यालय हैं, शासन हमको 10,000 स्क्वायर फीट जमीन दे, उसमें हम छात्रावास बनाएं, धर्मशाला बनाएं। आज भी यहाँ देखिए गुना में हम लोग मानस भवन में कार्यक्रम कर रहे हैं, किराए की जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, कभी खाली है कभी खाली नहीं है, कभी हमको प्रोग्राम करना है तो इधर उधर भटकते रहते हैं। खासतौर से शादी ब्याह होती है तो भी हम लोग भटकते रहते हैं, तो हमारा खुद का भवन होना चाहिए, ये हमारी मुख्य। शासकीय रेल पुलिस द्वारा मनाया जा रहा रेल सुरक्षा सप्ताह। गुना जिले में रेल पुलिस द्वारा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरे दिवस रेल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो महिला अकेली यात्रा कर रही थी उनसे महिला थाने की महिलाओं द्वारा चर्चा की गई, उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, एवं तीसरे दिन बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, ऐसे लोग जो ट्रेनों में यात्रा करते हैं उनको अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, एवं उनको आवश्यक GRP हेल्प नंबर भी दिया गया। शासकीय रेल पुलिस के द्वारा 1/1/2022 से 7/1/2022 तक रेल सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें प्रथम दिवस रेल इकाई क्या है इसके बारे में स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया पहला दिवस। दूसरे दिवस को इसी तारतम्य रेल
सप्ताह के तारतम्य में दूसरे दिवस जो महिलाएं यात्री ट्रेनों में अकेली यात्रा कर रही थी उनसे समस्याओं मेरे हमारे थाने की महिला आरक्षकों द्वारा उनसे मिलकर के चर्चा की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसी प्रकार तीसरे दिन जो वृद्धजन सिटीजन चार्टर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है ऐसे लोग जो ट्रेनों में यात्रा अकेले कर रहे हैं उनको कोई समस्या अगर है तो उनसे मेरे द्वारा मेरे स्टाफ द्वारा रूबरू मिलकर के करीब 54 यात्रियों से और उनसे रूबरू मिलकर के उनकी समस्याओं को सुना और उनके द्वारा उनको आवश्यक जीआरपी हेल्पलाइन नंबर 15-12 बताया गया। अन्य जो जानकारियाँ रेलवे सुरक्षा संबंधित थी वो सब बताई गई। इसी तरह से चतुर्थ दिवस को रेल समिति के सदस्यों को मेरे द्वारा समझाइश दे करके उनको रेल सुरक्षा समिति के उनको पोस्टर बैनर लगा करके हाथ में उनका बिल्ला वगैरह लगा करके उनसे ड्यूटी किस तरह से जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है और आप लोगों को किस तरह से ड्यूटी करना है इस तरह समझाइश दी गई। इसी तारतम्य में आज जो थे जो वृद्धजन हैं जो असहाय है निराश्रित हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई भीख मांगने वाले हैं ऐसे कोई व्यक्ति आज मिलते हैं हमें रेलवे स्टेशन पर तो उनसे चर्चा करके इनके भी आवश्यक जो सुविधा है उसके लिए एनजीओ को पत्र लिख करके उनकी भी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को कुटीर आवंटित करने के लिए जिलाधीश को सौंपा गया पन। गुना जिले की श्रीराम कॉलोनी के रहवासी जिला कलेक्टर के पास आवास योजना अंतर्गत कुटीर आवंटित करने की मांग को लेकर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कई इलाकों में जैसे हड्डी मिल मेडिकल बगीचा बरबटपुरा कोहलूपुरा पिपरौदा आदि कई ऐसी जगह है जहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश लोग रहते हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, यहाँ तक कि उनके घरों पर तिरपाल चढ़ा हुआ है, बेबी फटा हुआ। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटी आवंटित की जाती है इन लोगों को नहीं की गई। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि स्थिति को देखते हुए सभी को आवास योजना अंतर्गत कुटीर आवंटित की जाए। आज हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल श्रीराम कॉलोनी के रहवासी के साथ यहाँ पर मिलकर ज्ञापन दिया था। जो अभी सरकार के द्वारा जो मतलब आवास योजना की योजना है जो निकाली गई है जिसके तहत कई सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब बस्ती तबके के लोग हैं उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और जिनके पास बिल्डिंगें तन रही हैं उनको इस योजना का लाभ मिला, उनके मतलब कुटी भी आ गई है लेकिन बहुत सारे लोग का नाम आ गया है, किसी के पैसे नहीं है खाते में या मतलब नाम ही नहीं आया, वो चक्कर काटते रह रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर हम लोग महोदय से बात करने के लिए आए थे कि इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए और जिनको नहीं मिली है इस योजना का लाभ उनको लाभ मिला जाए। धान ज्वार मक्का का दोबारा पंजीयन खरीदी करें, किसानों की परेशानी के संबंध में सौंपा जिला कलेक्टर को कांग्रेस ने ज्ञापन। खरीफ फसल खराब होने के बाद किसानों ने धान और ज्वार जैसी उपज से उम्मीद लगाई थी। बाजार में भाव कम होने की वजह से विपक्षी दल कांग्रेस की मांग पर सरकार ने खरीदी करने की घोषणा कर दी लेकिन इसका प्रचार प्रसार कम होने की वजह से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज सरकारी खरीदी केंद्र पर नहीं बेच पाए। आरोपी के आनन फानन में केवल 2 दिन के अंदर धान ज्वार खरीद ली गई जबकि मक्का की सरकारी खरीद अभी तक नहीं की गई। कांग्रेस ने एक बार फिर मांग उठाई है कि खरीदी को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। अब कलेक्टर महोदय से मिले थे कल, खरीफ फसल को लेकर जो पंजीयन कराया गया थे ज्वार बाजरा धान का पंजीयन पब्लिक सिटी कम की, किसान आ नहीं पाए, पंजीयन नहीं हो पाए, फिर खरीदी की न की तो मात्र 29 और 30 दिसंबर को ही कांटे लगा और बहुत कम किसानों की जिन्स आ पाई, बहुत से किसान भटक रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि इन्होंने SMS नहीं किए तो पब्लिक सिटी की तो जिन्स तुलवाई जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है प्रयास करेंगे और मैंने कहा था जांच भी कराएं आप। मेरे साथ पवन रघुवंशी थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। इसके पूर्व भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से मार्च 2021 में किसानों ने मूंग का बीज खरीदा था जिसमें 6,400 रुपये पर किसान को मिलना थी अनुदान के रूप में। 1,800 किसान पूरे जिले के हैं, 300 किसान वो हैं जिनने उड़द खरीदा था, उन्हें भी 6,400 रुपये प्रति किसान बीच के वो अनुदान के रूप में मिलना थी, उन्हें भी अनुदान नहीं मिला। इस संबंध में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को पत्र लिखा था, उन्होंने तत्काल ही
कृषि मंत्री महामंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को पत्र लिखा था, वो भी अनुदान अभी तक नहीं मिला। किसान विरोधी सरकार किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। यदि किसानों के लिए अनुदान नहीं दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का, राष्ट्रीय तिलहन मिशन का, और जो तुलाई नहीं हुई, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसानों में जागरूकता लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी फसल थी सर, ज्वार है और क्या है इसका खरीफ फसल में? ज्वार खरीफ फसल में ज्वार, बाजरा और धान, तीनों का ही इन्होंने पंजीयन कराया था। मक्का को अलग कर दिया था, जबकि किसानों ने मक्का को फसल के रूप में ही माना था, क्योंकि 3 साल से सोयाबीन नष्ट हो रही थी। 3 साल से उन्होंने सोयाबीन का बीमा भी नहीं दिया, ना मुआवजा दिया। किसानों से आपने चर्चा की, किसानों क्या कहना है इसमें? किसानों का यही कहना है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से इन्होंने मूंग का बीज लिया, उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला, खाद में लोग वाक परेशान हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। किसानों के पास मैसेज पहुँचे क्या फसल? नहीं, किसानों के पास मैसेज नहीं पहुँची, खाद्य विभाग ने उन्हें गुमराह किया है। सफाई कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष का हुआ गुणागमन, गुना नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। गुना जिले में सफाई कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने गुना सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, सफाई कर्मचारियों से समस्याओं को जाना एवं उनके समाधान हेतु आश्वासन दिया। बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा समय समय पर कर्मचारियों की मदद की जाती है एवं उनकी समस्याओं के निवारण हेतु जरूरी प्रयास किए जाते हैं। ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सोलंकी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे सारे कर्मचारी भाइयों की, जो भी नगरी में गाँव के कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हुए हैं और साथ में उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो ये सारे कर्मचारी भाई उनके बीच में बैठे हुए हैं और सारी समस्याएं जो कर्मचारियों की होती है वो कुछ मैं भी रख रहा हूँ और कुछ कर्मचारियों के द्वारा भी रखाई जा रही है, और ये कर्मचारियों का हित के लिए ये कार्य करते हैं और आज तक इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हमेशा ये करते रहेंगे। कर्मचारियों के हितों की लड़ाई के लिए ये कहीं पर भी लड़ जाते हैं, क्योंकि यो जो कर्मचारियों के जो कानून में जो उनको हक अधिकार दिए गए हैं, वह हक अधिकार हमारे सुरेंद्र सिंह जी सोलंकी जी जो हैं वो कर्मचारियों को दिलवाते हैं। आज हमारे नगर पालिका गुना में उपस्थित हैं ये, और मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि ये बहुत अच्छे आदमी है और हमेशा कर्मचारियों की हितों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। जिला कर्मचारी अध्यक्ष हैं क्या? जी, जिला कर्मचारी, जिला के अध्यक्ष तो मैं महेश पारोचिया हूँ, पर वो हैं प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष पूरे मतलब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और नगर निगम नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं ये, और ये खास खास जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो आदेश निर्देश जो जारी होते हैं, जैसे कि हमारे लिए अभी एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, तो और अन्य विभागों में हो गया पर हमारे लिए नहीं किया गया, हमने वो बिंदु को भी रखा है और कई बिंदु हैं, जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारियों से लेकर के जो डोर टू डोर कचरा वाहन जो ड्राइवर हैं, अब भाई इनको एनजीओ में क्यों दे दिया गया? आपको कार्य तो करवाना ही है, एनजीओ के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण। क्या है कि उनको जो कार्य कर रहे हैं उनको उतना भुगतान तो मिल नहीं रहा, अगर ड्राइवर की भुगतान जो होता है वह कम से कम 40-50 हज़ार रुपये के बीच में होता है, और अभी इनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, तो इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में भी अब ये बात को रखूँगा, क्योंकि ये डोर टू डोर कचरा जो कलेक्शन वाले जो ड्राइवर हैं, इनका बहुत आर्थिक शोषण किया जा रहा है, और इनको क्या है अब एनजीओ मतलब ठेका प्रथा में इनका कोई कहीं हक अधिकार नहीं है। अगर ये मर जाते हैं तो इनके बच्चों के अंधकार भविष्य अंधकार में है। केंद्र सरकार ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंट को स्किल हब सेंटर के रूप में चयनित किया। स्किल हब सेंटर में ड्रॉप आउट बच्चे कौशल विकास कर सकेंगे, हुनर सीखने के बाद रोजगार भी मिलेगा। जिले के स्कूल छोड़ ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, बिना किसी हुनर के बेरोजगार घूम रहे बच्चों को अब कौशल सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। आज हम एक विशेष सूचना देने के लिए आपके साथ हैं, और सूचना यह है कि प्रदेश में 161 विद्यालयों को स्किल हब सेंटर के रूप में चयनित किया गया है। इनमें से 2 विद्यालय हमारे गुना जिले के हैं,
बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंट और शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोना। बड़ी सफलता है, इस सफलता पर हम दोनों विद्यालय के प्रबंधन को बधाई देते हैं। स्किल हब सेंटर के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी से संबंधित दूसरे कोर्सेज 6 माह की अवधि के संचालित किए जाएंगे। इसकी पात्रता में कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए व्यक्ति को, उसकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच हो और पूरी तरह निशुल्क प्रशिक्षण 6 माह का यहाँ दिया जाएगा। इसमें पंजीयन आज से प्रारंभ हो रहे हैं, 17 तारीख से ये कोर्स शुरू होगा। चूंकि स्थान नियत है इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पे चयन किया जाएगा। काम ये करना है कि विगत 4-5 वर्षों में कक्षा 9 से लेके 12 के बीच में जो बच्चे अनुत्तीर्ण होने या अन्य किसी कारण से ड्रॉप आउट हुए हैं, उन तक ये सूचना पहुंचाना है कि वे स्वयं को इस कोर्स में पंजीकृत कराएं। ये कोर्स शासकीय अशासकीय सभी तरह की संस्थाओं में मान्य रहेगा। प्रातःकालीन और सायकालीन कक्षाएं संचालित की जाएंगी विषय विशेषज्ञों द्वारा, और इससे संबंधित जानकारी के लिए संबंधित छात्र को आधार समग्र आईडी और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन में अंतिम परीक्षा जो पास या फेल हुए हैं उसकी मार्कशीट सहित स्कूल में कॉन्टेक्ट करना है। तो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स एंड स्पेशली विद दोस हु लेफ्ट देयर स्टडीज ड्यू टू एनी रीजन इन लास्ट 5 ईयर्स। थैंक यू। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जम्मू की कड़कड़ाती ठंड में आशीष गलगले ने सफर शुरू किया था, अब उनकी यात्रा बेंगलोर से आगे पहुंच गई है। 10 जनवरी को यात्रा कन्याकुमारी में संपन्न होने की संभावना है, देखिए ये रिपोर्ट। आशीष गलगले जो कि अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उन्होंने आईटी की यात्रा जो शुरू की थी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उनका कल जो है वो 21वां दिन था। 21वें दिन वो बेंगलोर में पहुंच चुके थे और उनकी यात्रा निर्विघ्न बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और बहुत जल्दी वो अपने गंतव्य स्थान तक यानी कि 10 तारीख तक वो कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी की ये जो साइकिल राइड है उसके अंतर्गत आज मैं 3,200 किलोमीटर कर्नाटक के तमिलनाडु के धर्मपुरी शहर के निकट हूँ और आगे कल यात्रा प्रारंभ करूँगा। करीब 400 किलोमीटर की यात्रा कल के बाद शेष रह जाएगी जो कि मैं 4 दिन में पूर्ण करने का विचार है और अभी तक 3,200 किलोमीटर यात्रा मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है और ये मेरी यात्रा का अंतिम प्रदेश है। 11 प्रदेश मैंने कवर कर लिए हैं, तमिलनाडु अंतिम प्रदेश है और संभवतः 10 तारीख को मैं हमें हमारी जय हिंद। कोटा बीना मेमू ट्रेन का हुआ शुभारंभ। आज यात्री संगठन व अन्य संगठनों ने मेमू ट्रेन जैसे ही गुना रेलवे स्टेशन पहुंची तो ड्राइवरों का किया सम्मान। आज कोटा बीना गाड़ी जो पिछले 2.5 वर्षों से लॉकडाउन के कारण बंद थी बीना कोटा लाइन पर, तो आज उस गाड़ी को मेमू के रूप में यहाँ पर चलाई गई है जिससे इस लाइन के लोगों को बहुत उत्साह प्रदाय हो रहा है। और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय ओम बिरला जी के सहयोग से आम जन के लिए गाड़ी को चलाया गया है, मैं उनका बारंबार स्नेह कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि इस लाइन की आम जन की आवश्यकता को उन्होंने जाना समझा और यह बिना कोटा गाड़ी चलाई, क्योंकि कोटा एक ऐसा स्टेशन था ऐसा शहर है जो शिक्षा और चिकित्सा के लिए एक केंद्र बिंदु है जहां से इस क्षेत्र के काफ़ी लोग दिन में सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है और
ये गाड़ी बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी थी, शिक्षा के जगत में, चिकित्सा के जगत में। आज जो गाड़ी चल गई है बहुत बड़ी यहाँ के रहवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। सर गाड़ी का क्या टाइमिंग रहेगा? ये गाड़ी का टाइम यहाँ से 12:40 पे बीना की ओर छूटेगी और बीना से कल से 10:30 बजे कोटा की ओर जाएगी यहाँ पर। कैसे नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सुनील आचार्य है, यात्री सेवा संगठन और DRC मेंबर। और एक और इस बारे में आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, यह गाड़ी एक सामान गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी को जैसे हम बैठते हैं, चलती है, तो गाड़ी को चलते में हमको नहीं बैठ पाना है, इसमें बिल्कुल पहले ही आप बैठ जाएं, अन्यथा आप इससे कभी भी दुर्घटना घट सकते हैं। तो इस गाड़ी में आपको चलने से पहले अपने स्थान को ग्रहण करना है मेमू गाड़ी में। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी शशंक का विहार बीनागंज से लटेरी की ओर चल रहा है। आइए दिखाते हैं बिहार के कुछ विहंगम दृश्य। यहाँ डाली डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ते पे, राजगुरुवर का चलता गांव के हर रास्ते पे, चारों तरफ है डंका बजता, चारों तरफ है डंका बजता, वीर दुलारे का ये जहां तो दीवाना है, मेरे सुधा गुरुवर का। डाली पे, यहाँ पत्ते पत्ते पे, राजगुरुवर का चलता गांव के हर रास्ते पे, चारों तरफ है डंका बजता, चारों तरफ है डंका बजता, वीर दुलारे का ये जहां तो दीवाना है, मेरे सुधा गुरुवर का। चारों तरफ है डंका बजता, वीर दुलारे का ये जहां तो दीवाना है, मेरे सुधा गुरुवर का।